टुगेदर होकर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए था, और मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि मोटोरोला 30 एज अल्ट्रा जो मोबाइल है आपकी वीडियो और फ़ोटो के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने ये परचेज कर लिया था और इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी से फ़ोटो वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो 200 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है फ्रंट, और 60 जो कहते हैं मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये तो चलो सब ठीक था, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम फेस आने लग गई। जैसे इसके अंदर कहते हैं मेरे को एक माइक की आवश्यकता थी, तो माइक के लिए मैंने अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो मेरे को कुछ माइक अच्छे लगे जिसके बारे में मैंने बाज़ार में पता करने के लिए प्रयास किया, और मैं उसके लिए मैं बाज़ार में गया भी, लेकिन क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई या नहीं ये मैं आगे बताता हूँ आपको वीडियो में। तो मैं मार्केट में गया, जब मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वायरलेस माइक का जो आजकल क्रेज चला हुआ है, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे थे, तो उसमें से मैंने कुछ माइक की कंपनियां चूज़ की थी, जिसमें एक था डिकटेक जो बोल के कंपनी थी जो वायरलेस माइक वगैरह बना रही है, उसकी कंपनी को मैंने चूज़ किया, और उसमें जो वीडियो के अंदर व्यू आ रहे थे वो ट्राली भर भर के आ रहे थे, ट्राली में ट्रक 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 भर भर के व्यू आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा माइक होगा और इस पे सेट हो जाएगा। तो फिर जहाँ पर मैं दुकान पे गया, तो दुकान पे गया तो मेरे को देखने में उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने दुकान वाले से पहले ही बात कर ली थी कि इसमें अटैच होगा तो मैं लूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें जो सी फोल्डर का चार्जिंग पॉइंट आता है वैसा ही इसमें जो कहते हैं माइक लगाने के लिए फोल्डर है, ये उसी से काम होता है। तो मैंने उसको बोल दिया था इसमें सी फोल्डर लगेगा, तो उसने कहा कि इसमें सारे ऑप्शन हैं, आप एप्पल के मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो और सी वाले में भी कर सकते हो। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसकी शॉप के अंदर वो उसको अनबॉक्सिंग किया, और मैंने ये बात पहले कर ली थी कि अगर इसमें अटैच हुआ आप कर पाए तो मैं लूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लूँगा। तो फिर बाद में उन्होंने काफ़ी बातें चीतें करके ये इस चीज़ के लिए अग्री हो गए और उसको अनबॉक्सिंग भी किया। काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद वो उस पर माइक सेट नहीं कर पाया, और वो मेरे को बता रहा था कि आ रही है आवाज़ आ रही है, तो मैं बार बार में उसको चेक भी कर रहा था, लेकिन वो फाइनली माइक जो है उसके साथ में एडजस्ट कर ही नहीं पाया। तो शायद उसको आया नहीं होगा, या मान लो वो कर नहीं पाया, तो आखिर में फाइनली में मैंने ये माइक लेने के लिए प्रयास बंद कर दिए। फिर दूसरा माइक हमारी लिस्ट में था बोया कंपनी का। बोया कंपनी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें सी फोल्डर की जो कहते हैं लीड लगनी है, लेकिन इसमें वो दूसरी लीड थी, इस वजह से उसने काफ़ी प्रयास किए, लोकल लीड भी लगाई तो नहीं सेट हुई, फिर उसने सैमसंग की ओरिजिनल लीड भी सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सेट नहीं हुई। उसने अपनी तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए, और रेट भी उसकी थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही थी ऑनलाइन के मुताबिक, लेकिन वो मेरे को ये लीड चिपका नहीं पाया, ये माइक चिपका नहीं पाया। अगला हमारी लिस्ट में था के सीरीज़ के जो वायरलेस माइक आते हैं, जो काफ़ी सस्ते भी होते हैं और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो हमारी लिस्ट में थे। तो हमने सोचा क्या पता वो सेट हो जाए। तो जैसे कि हम किसी भी दुकान पे जाते थे तो उसको पैकिंग खोलने से पहले यही बात करते थे कि अगर इस मोबाइल के अंदर आप मोटोरोला जो 30 एज अल्ट्रा जो मोबाइल है इसमें आप सेट कर पाओगे तो ही हम आपके यहाँ से परचेज करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो अगर आप ये इसकी पैकिंग खोल रहे हो तो इस चीज़ का रिस्क ले सकते हो, तो आप खोलो, वरना फिर हम किसी और दुकान पे हम जाएंगे। तो उसके बाद में उसने कहा कि ठीक है मैं ये देख लेता हूँ, और उसने भी अपनी तरफ से प्रयास किए। इससे अगला भी कोई चाइनीज़ कंपनी का माइक था, वो भी वायरलेस था, वो भी हमने अटैच करने के लिए प्रयास की, और एक बार तो हमें दुकान से ये बोला गया कि प्रॉपर ये आ भी रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा, तो मैंने वो नहीं लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं परेशान भी हो चुका था, और मैं किसी पार्क में जाके बैठ गया, और मैंने सोचा कि कहीं मैं ये मोबाइल लेके कोई गलती तो नहीं कर दी, तो ये सोच विचार मेरे मन में चल रहे थे। उसके बाद में फिर मैं दुकान पे गया, जो हमारी अगली लिस्ट का जो माइक था उसके ऊपर काम करने के लिए।
तो मैं उस दुकान पे गया और उन्होंने भी के सीरीज का ही मेरे को एक माइक दिखाया और वो काफ़ी प्रयास किए उसने, आधा घंटा करीबन उसने अटैच करने के लिए प्रयास किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो उसके बाद में फिर मेरा वहाँ पे रुकना मुमकिन नहीं था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि मैंने एक मोबाइल लिया और उसमें माइक सेट नहीं हो पा रहा है। तो फिर बाद में फिर मैंने वहाँ से वो परचेज़ नहीं किया, लेकिन उसके रिएक्शन भी ख़राब मेरे को लगे। रिएक्शन ऐसे ख़राब लगे क्योंकि उसने आधे घंटे कोशिश की लेकिन वो फिर अटैच नहीं हुआ। और जब किसी दुकान पे कोई कस्टमर जाता है और अगर वो आधा घंटा आपका ख़राब करके बगैर कुछ आपको परचेज करवाए बगैर वैसे ही वो ग्राहक चला जाता है तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसके रिएक्शन कुछ ऐसे थे, उसे एक सदमा सा लगा जो देख सकते हो आप। तो फाइनली हम इस मोबाइल के अंदर कोई भी वायरलेस माइक या वायर के सहित माइक कोई अटैच नहीं कर पाए। हो सकता है हमें ये चीज़ आई ना हो, लेकिन फिर बाद में मैंने घर पे आकर YouTube पर काफ़ी सर्च किया कि इस माइक की एक का जो कहते हैं इसके साथ में अटैचमेंट है या नहीं है। तो फिर मेरे को YouTube पे कहीं भी कोई टेक्निक गुरु से या किसी भी से भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला YouTube के ऊपर कि जो मोटोरोला 30 Ultra Edge के अंदर वायर वाला या वायर के बगैर कोई माइक अटैच करने की कोई भी वीडियो मेरे को नहीं मिली। तो फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शायद कंपनी ने कोई चूक कर दी है या फिर मुझे इस चीज का पता नहीं लग पाया कि मैं इसके अंदर माइक कौन सा और कैसे अटैच कर पाऊं। अगर हो सकता है किसी टेक्निक गुरु को पता हो, तो आप अगर किसी को पता हो तो इस प्रकार की वीडियो आप YouTube पे जरूर डालें, क्योंकि मैं प्रॉपर सर्च करता रहूंगा। क्योंकि वीडियो और फोटो की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, लेकिन कहते हैं कि मेरे को माइक की प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी आ रही है। अगर कोई वीडियो मेरे को ऐसा मिलता है तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि इसके बगैर मैं अपनी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूं और इस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसी मोबाइल से कर रहा हूं और बगैर किसी माइक से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको आवाजें आती हुई दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी। तो इस प्रकार से इससे मैं परेशान हो गया। तो मेरी नजर में आप अगर ये मोटोरोला Edge 30 Ultra मोबाइल अगर खरीदना चाहते हो, तो अगर आप ब्लॉगिंग वास्ते खरीदना चाहते हो तो इस चीज के इश्यू को जरूर आप देखना, क्योंकि टेक्निक गुरु बहुत चीजें बताते हैं लेकिन अगर उस मोबाइल प्रोडक्ट में कोई कमियां अगर रहती है तो वो उसके बारे में कोई जिक्र वगैरह प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अभी तक मैंने कोई भी टेक्निक गुरु की इस पर के ऊपर कोई वीडियो बनाते हुए या उस पर दिखाते हुए कोई भी मैंने चेक नहीं की है। तो मैंने वो वीडियो देखे थे जिसमें अच्छा ही अच्छा बताया गया था और इस वजह से मैंने ये मोबाइल परचेज किया था, लेकिन मेरे को कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला कि जिसके अंदर कहते हैं इस मोबाइल के अंदर माइक अटैच करने का जो कहते हैं कोई वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप इस मोबाइल को खरीदते हो तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए जरूर खरीदें, इसके बारे में पूरी रिसर्च करके खरीदें, यही मैं कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग की मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल भी नया है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो नॉलेजवान देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। हमारे तो एक नॉर्मली जो कहते हैं वीडियो वगैरह हम बना रहे हैं, एक लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।